अरे भैरू को कहाँ जा रहे हो? कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट ये आइसक्रीम बनी हुई है, मुंह में घुल जाने वाली है। सिर्फ 3 चीज़ों से ही मैं इस आइसक्रीम को बनाऊंगी। देखिए किस तरह से बना हुआ है। अगर आप एक बार बना लेती हैं तो बच्चे बड़े फटाफट इसको चट कर जाएंगे। इसमें ऐसी सामग्री पड़ी हुई है जो आपके पेट शरीर सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है और टेस्ट में भी बेस्ट है और शरीर को भी आपको ठंडक रखेगा। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है इस समय, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इसको हम फटाफट बना करके आप लोगों को सर्व करते हैं। देखिए है ना कितना क्रीमी। इसको बनाने के लिए आप 100 ग्राम चीनी लीजिए और 250 ग्राम करीब दूध है और 100 ग्राम के करीब ये काजू है। काजू को अच्छी तरह से देख लीजिए, इसमें कुछ पड़ा ना हो। आप इसको धुल भी सकती हैं, धुल देंगी तो इसमें धूल मिट्टी जो रहेगा वो हट जाएगा। अब काजू और चीनी डाल करके इस तरह से पेस्ट बना लीजिए। देखिए है ना कमाल का कितना अच्छा ये पेस्ट, इस तरह से आपका गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा पेस्ट हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम इसमें अलग से एक कटोरी दूध रखेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इस मिश्रण को मिलाते जाएंगे। मिला करके इसको पतला घोल करना है, बहुत ज़्यादा पतला ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। इस कंसिस्टेंसी में देखिए जब ये आ जाए तो आप इसमें दूध मिलाना बंद कर दिए। थोड़ा थोड़ा दूध ही करके मिलाएंगे कि न घोल ज़्यादा पतला हो न ज़्यादा गाढ़ा हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब 250 ग्राम जो दूध है उसको एक कढ़ाई में चढ़ा करके गैस जलाइए और धीरे धीरे उस पर पका लीजिए। चलाते रहिए क्योंकि तले में ये बैठना नहीं चाहिए, तले में बैठ जाएगा तो आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। अब आपका जो कटोरी में मैंने दूध लिया था वो बचा हुआ है, उस दूध में 2 चम्मच आप जो है कस्टर्ड पाउडर डाल दीजिए। कस्टर्ड पाउडर डालेंगी तो थोड़ा सा ये बहुत जल्दी आपका दूध जो है ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया है, न खोया है न मिल्क मेड है और न ही बहुत ज़्यादा दूध है। केवल 250 ग्राम दूध में मैं पूरे परिवार के लिए आइसक्रीम बना रही हूँ। अब इसको मोटे तले की कढ़ाई में पकाएंगी क्योंकि ये नीचे बैठने न पाए। अब आपने जो घोल बना करके रखा है वो इसमें डाल दीजिए। घोल डालने से जो है ये आपका दूध बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसको जल्दी जल्दी आप चलाइए कि नीचे भी न बैठे और इसमें गुठली भी न पड़े। गुठली नहीं पड़ेगी तो ये बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम आपकी बनकर तैयार होगी। अगर पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बच्चे बड़े सभी टूट पड़ते हैं और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सबको ठंडा ठंडा खाना बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस तरह से किसी कंटेनर में इसको डाल करके इकट्ठा कर लीजिए। कंटेनर में डालने के बाद हाथ से थोड़ा सा टैप कर दीजिए कि ये बराबर से एक सार हो जाए, एक बराबर ये अच्छे तरह से सेट हो जाए। और सेट होने के बाद आप इसको फ्रीजर में 3-4 घंटे के लिए रख दीजिए। 3-4 घंटे बाद आप अगर आप इसको निकालेंगी तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट देखने में आपका ये क्रीम बन करके तैयार हो जाएगा। अब सिल्वर फाइल लीजिए और इस कंटेनर में रखिए। रखने के बाद आप 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में कंटेनर रख दीजिए। अब देखिए 3 घंटे हो चुके हैं, मेरी आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है और ये जम चुकी है। देखिए कितनी अच्छी जमी हुई, कितनी क्रीमी है, मुँह में डालेंगे तुरंत ही आपकी खुल जाएगी। है ना कितना आसान। आप मार्केट से इतनी महंगी आइसक्रीम खरीद के लाते हैं, आज के बाद आप आइसक्रीम खरीद के लाना भूल जाएंगे और घर ही की बनी हुई आइसक्रीम आप यूज़ करेंगे। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट ये आइसक्रीम बन करके तैयार हुई है ना कमाल की बात। कितना अच्छा टेक्सचर आया है और कितना सुंदर।